लीजिए किस तरह से ये धुआं निकल रहा है, दिक्कत तो आती है खैर सांस लेने में यहाँ पे। ठीक, ये बताओ कि आपका यहाँ बगल में घर है और कोल्हू चल रहा है, इतना धुआं आता है, तो आप लोग किस तरह से यहाँ रहती है? किस तरह से रहते, जैसा हम गरीब आदमी है तो हमें तो रहना पड़ेगा, इस सांस लेने में हमें ये भी दिक्कत है, खांसी भी उठते हैं, बुखार आ जा, खांसी हो जा, बच्चों का टीवी बन जा, कुछ बन जा, हम गरीबों का तो कोई देखेगा नहीं। इनसे काफी रहती है, यहाँ के जो लोग हैं यहाँ के परेशानी काफी रहती है, इनसे बीमारी होती है, दम घुटता है हमारा इससे, और कोई सरकार वगैरह कोई अधिकारी वगैरह इस चीज का ध्यान नहीं देता, टीवी वगैरह हमें बीमारी होती है काफी, हम बहुत परेशान रहते हैं। स्थानीय प्रशासन से शिकायत की जा रही है लेकिन इस शिकायत का प्रशासन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और ना ही कोई कार्रवाई हो रही है। मैं ईटीवी भारत के लिए दीपू पांडे रामपुर।